नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में विनीता शाहू पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने लिया नाकाबंदी का जायजा। किराना की आड़ में बेच रहा था तंबाकू गुटखा, प्राशन कर की आत्महत्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर शहर में विनीता शाहू पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने लिया नाकाबंदी का जायजा। राज्य सरकार ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की है, साथ ही सरकार ने धारा 144 लागू की है, जिसके चलते आज लॉकडाउन दूसरे दिन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और विनीता शाहू खुद नाकाबंदी का जायजा लेते वैरायटी चौक पर देखे गए। जब उनसे बातचीत की गई तो आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। निर्बंध राज्य में लगाए गए हैं, उसके बाद हम कल काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने किए थे, काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए थे, काफ़ी लोगों की मीटिंग लेके लोगों को समझाने की प्रयत्न की गई थी। आज हमने एक्शन शुरू किया है और जितने भी प्रमुख चौक्स और रस्ते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रमाण में पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाकर किसी भी जो बिना कारण रस्ते पर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरऑल आज परिस्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है शहर में, फिर भी मैं शहर की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि खुद की सुरक्षा के लिए और शहर की सुरक्षा के लिए बिना कारण बाहर नहीं निकलें। अगर अत्यावश्यक हो तो ज़रूर निकलें, अदरवाइज अन्यथा उनके विरुद्ध कड़क कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है। सर, रेमडेसिविर की ऊपर कार्रवाई हुई है क्या? रेमडेसिविर के ब्लैक मार्केटिंग के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी, गोपनीय माहिती मिल रही थी। माननीय पालक मंत्री महोदय ने भी इस बारे में आढ़ावा बैठक में इस प्रकार की अगर गैर हलचली चल रही है तो उसके ऊपर निर्बंध लगाने के लिए आदेश दिया था। उसके तहत गोपनीय माहिती के आधार पर रेड की गई थी। एक डॉक्टर और तीन ब्रदर्स को अरेस्ट किए गए हैं, 15 रेमडेसिविर वायल्स जब्त किए गए हैं और आगे की कार्यवाही कार्रवाई की। दूसरी ओर किराना की आड़ में बेच रहा था तंबाकू गुटखा। खामला के सिंधी कॉलोनी में एक दुकानदार किराना की आड़ में तंबाकू और गुटखा बेच रहा था। जानकारी मिलते ही डीसीपी जोन 1 नूरुल हसन की टीम ने दुकान पर छापा मारा और 20,095 रुपए का माल जब्त किया। पकड़ा गया दुकानदार सिंधी कॉलोनी निवासी अरविंद गुलराजमल पंचवानी बताया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि खामला के माँ वैष्णव में किराना सामान की आड़ में पान मसाला और तंबाकू आदि सामान बेचा जा रहा है। खबर के आधार पर वहां छापा मारा गया। तलाशी में सुगंधित तंबाकू, पान मसाला और गुटखा सहित 20,095 रुपए का माल बरामद हुआ। कार्रवाई की जानकारी एफडीए अधिकारी एफडी राउत को दी गई। राउत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और माल जब्त कर लिया। डीसीपी हसन के मार्गदर्शन में कांस्टेबल रितेश मलगुरवाल, धर्मेंद्र यादव, प्रवीण फलके, फहीम खान और पल्लवी तुरंकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही तीसरे और विष प्राशन करके आत्महत्या। नागपुर वाटोड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। मृतक शिवनारायण अपार्टमेंट ऑरेंज नगर निवासी महेंद्र मधुकर वैरागड़े बताया गया। महेंद्र ने बुधवार को अपने घर में विष प्राशन कर लिया। शाम 5:30 पर पत्नी ने उन्हें बेहोशी की हालत में देखा। घटना की जानकारी रिश्तेदारों को दी गई। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने पत्नी अश्विनी के शिकायत पर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।